नमस्कार, सत श्री अकाल। एसएसआई टू में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त मैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में यहाँ पर साउथ इंडियन यानी कि आप कह सकते हैं साउथ से स्टूडेंट्स लोग आए हैं। यहाँ का नजारा देखिएगा तो बिल्कुल उत्साह है। बिहार के दौरे पे आए, बिहार के भ्रमण करने के लिए आए। बोले सो निहाल, ये उत्साह है और इस उत्साह से दर्शाता है कि अपना बिहार और खास करके तखत साहिब में आए हैं पत्थर टेकने के लिए। शिक्षा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो तमाम स्टूडेंट एक ज्ञान का अद्भुत खोज में निकले हैं। इस तखत साहिब में तमाम तरह की ज्ञान की बातें हैं। हम यहाँ के जो टीचर हैं उनसे भी जानकारी लेंगे। सर जी नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृपा शंकर सिंह है। मैं IIT पटना का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हूं। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। उसके तहत युवा संगम की यह यात्रा तैयार की गई है जिसमें बिहार का पेयरिंग तमिलनाडु राज्य के साथ हुआ है और आज हमारे राज्य में तमिलनाडु के 45 बच्चे और 4 टीचर्स यहाँ पे आए हैं। और इस यात्रा का यह उद्देश्य है कि हमारे देश के एक राज्य से दूसरे राज्य के संस्कृति को, सभ्यता को, कल्चर को और हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस को नज़दीक से जानने समझने का उनको मौका मिले। इस उद्देश्य से यह यात्रा प्लान किया गया है और बिहार राज्य के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना को नोडल इंस्टीट्यूट बनाया गया है। इसी तरीके से तमिलनाडु राज्य से NIT त्रिची को नोडल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। आज यात्रा के दूसरे दिन के अवसर पर आज हमारी पूरी टीम माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर के राजभवन में हमारी टीम गई हुई थी। वहाँ पे राज्यपाल जी ने बच्चों का स्वागत किया है और उन्होंने बिहार के और देश के विकास में युवाओं के योगदान के विषय पे उन्होंने बच्चों को संबोधन भी किया है। उसके बाद हम लोग म्यूजियम गए और अभी आज हम सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के जन्मस्थली पे आज यहाँ पे मत्था टेकने के लिए आए हुए हैं। कैसा लगा? आप कभी सोचे थे कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मस्थली में हम आए? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और मैं चूंकि यहीं से बिलोंग करता हूं तो हर साल मैं यहां दर्शन के लिए आता हूं गुरुजी के दर्शन के लिए और आकर बहुत अच्छा लगता है, मुझे एक अलग सी खुशी मिलती है। आप बताइए आप कहां से हैं? हम बनारस से हैं, IIT में जॉब करते हैं। हमने बहुत सुना था गुरुजी के बारे में और एक साल से हम सोच रहे थे कब जाएंगे। फाइनली उन्होंने बुला लिया तो बहुत बहुत शुक्रिया, हम फाइनली बहुत खुश हैं। क्या नाम हुआ? यालिनी सत्यमूर्ति। बताइए, वेलकम, कैसा लगा यहाँ? यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत शांतिपूर्वक जगह है। हमें हम कई लोग हम में से पहली बार गुरुद्वारा में आ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। से मैं हूँ बिहार पटना, बिहार सासाराम से, बट अभी फिलहाल मैं NIT त्रिची का प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। और मैं फिलहाल ये सारे बच्चे को लेकर यहाँ पे टूर पर आया हूँ जहाँ पे कि सारा हमारा जो कल्चर है बिहार का, जो हमारा यहाँ का परंपरा है, इन सब सारे चीज़ों को हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो उसमें से हमारा एक आज का पार्ट भी था जिसमें कि बच्चों को मंदिर का घुमाना, यहाँ के कल्चर को दिखाना, तो हिंदू रीति रिवाज और जो पंजाबी रीति रिवाज है, जो भी इनका यहाँ का कल्चर है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे दिखाने आए हैं आज। ओके, माय नेम इज़ जोसफिन, आई एम रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आई एम एन इंस्टीट्यूट काउंसलर देयर। सो वी हैव कम फॉर अ कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम अंडर द बैनर ऑफ युवा संगम and we are very happy to be part of this program because we learned the culture and heritage of Bihar and we are very grateful to IIT Patna for supporting us for this program. Thank you so much. And we are very happy to see this mandir. It gives us such a heritage to India and all our students are enjoying their stay here. Thank you so much. My name is Vinod. I am from Tamil Nadu, Pudukkottai district. Aap Muniyasalam Rameshwaram. Kaisa laga yahan? तो यहाँ देखिएगा तो बिल्कुल उत्साह के साथ में और लोग जहाँ पर तखत साहब से कुछ यादें जुड़े हुए यहाँ पर एक उल्लास के साथ में खूब इंजॉय कर रहे हैं। शिक्षा के दृष्टि से अगर देखिएगा तो बिहार से अगर आते हैं तो एक बेहतर मैसेज का कार्य करती है SSI2। आप देखते रहिए, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।